नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तीनों सेना प्रमुख से मिले पीएम मोदी, अग्निपथ योजना पर हुई चर्चा। बीजेपी नहीं दोहराना चाहती 2019 जैसी गलती, उद्धव सरकार पर संकट के बाद भी कर रहे इंतजार। और नाना पटोले की भाजपा के खिलाफ प्रतिक्रिया, महाराष्ट्र सरकार को गिराने की साजिश का किया आरोप। अब खबरें विस्तार से। सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग बैठक की। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में अग्निपथ योजना को लेकर चर्चा की गई। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी के साथ बैठक हुई। अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना की घोषणा 14 जून को की गई थी, जिसके बाद से देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने कई ट्रेनों और बसों में पिछले दिनों आग लगा दी। पीएम मोदी की बैठक से पहले सेना के तीनों अंग यानी थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने अग्निपथ योजना और अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अधिकारी ने कहा कि सेना नौकरी के लिए नहीं बल्कि जुनून और जज्बात के लिए है। भर्ती प्रक्रिया के बारे में आशंकाओं के बीच सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया अपरिवर्तित रहेगी और सेना में पारंपरिक रेजिमेंट व्यवस्था जारी रहेगी। सेना के तीनों अंगों के संवाददाता सम्मेलन में पुरी ने कहा कि यह योजना सरकार के कई विभागों के बीच विचार विमर्श के अलावा तीनों सेवाओं और रक्षा मंत्रालय के भीतर लंबे समय तक जारी परामर्श का परिणाम है। उन्होंने कहा कि यह एक बहुत जरूरी सुधार है। भंडारा में जिला पदाधिकारी कार्यालय पर कांग्रेस द्वारा आंदोलन किया गया। यह आंदोलन अग्निपथ योजना के खिलाफ किया गया। इस वक्त कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। भंडारा में कांग्रेस द्वारा अग्निपथ योजना के विरोध में आंदोलन किया गया। इस वक्त उन्होंने कहा कि देश का भविष्य बनाने वाले युवाओं के खिलाफ अग्निपथ योजना लाकर भाजपा शासित केंद्र सरकार युवाओं को आग में झोंकने का काम कर रही है। युवाओं को सेना में भर्ती करने में 2 साल नहीं लगे, लेकिन भाजपा शासित केंद्र सरकार इस योजना को लागू कर युवाओं को फिर से बेरोजगार करने की योजना बना रही है। हम मांग करते हैं कि अग्निपथ योजना को समाप्त किया जाए। इसके विरोध में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारियों ने भंडारा स्थित जिला पदाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया। वर्तमान में भंडारा जिला प्रभारी नेहा राकेश निको से, भंडारा जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष पवन वंजारी, महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस सचिव राकेश कारेमोरे आदि युवा कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। भाजप शासित केंद्र सरकार बसलेली आहे, गैरप्रकरणी जी चौकशी करत आहे सरासर चुकीचं आहे। त्यामुळे आम्ही ईडीचं खिलाफ आणि जे अग्निपथ आहे, अग्निपथ योजना जी काढलेली आहे ते युवकांनी, देशातील युवकांना लॉलीपॉप देण्याचा, त्यांना अग्निमध्ये टाकायचा हा अग्निपथ योजना आहे। तर 4 वर्ष युवक मेहनत करून 4 वर्ष येईल आर्मी ते, आणि 5व्या वर्षी तो रोजगार झाला तर ही बेरोजगारी नाही तर काय आहे। अग्निपथ योजना आहे, अग्निपथ योजना सरासर युवकाच्या खिलाफ आहे। त्याच्या निषेधार्थ आम्ही आहोत ना, आमच्या पक्षाची पण आहोत। अग्निपथ योजना ती भाजपची केंद्र सरकारने दिलेली आहे, ती लागलेली आहे युवका देशातील बेरोजगार युवकावरती लागलेली आहे। अग्निपथ योजना ती सरासर चुकीची आहे, ते कुठे ना कुठे युवकांना लॉलीपॉप देण्याचा, त्यांना चुतिया बनवायचा हा देशातील भाजपाचा केंद्र सरकारचा, त्यांना अग्नी टाकाचा योजना आहे। ही अग्निपथ योजना नाही, अग्नी टाकाची योजना आहे देशातील। जो युवक मेहनत करून सालोसाल मेहनत करून जी मेहनत करते ना, 4 वर्ष त्याला रोजगार देते, ज्या आर्मीमध्ये भरती करते ना, 5व्या वर्षी काय, 5व्या वर्षी रोजगार पुन्हा बेरोजगार होते। 2 वर्ष रोजगार। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बुकड़े के साथ वैदेही चौहान की रिपोर्ट। दर्पण
पत्रकार एसोसिएशन गोंदिया द्वारा भव्य निशुल्क महाआरोग्य जांच शिविर का आयोजन संजय नगर गोविंदपुर में आयोजित किया गया। इस महाआरोग्य जांच शिविर में शासकीय मेडिकल कॉलेज गोंदिया के वरिष्ठ चिकित्सकों ने रुग्ण के आरोग्य शिविर में निशुल्क 14 एम्बुलेंस द्वारा गोंदिया से 15 किलोमीटर पर रुग्णों के आवागमन के लिए व्यवस्था की गई। निशुल्क दवाइयों का वितरण और चुने हुए मरीजों का ऑपरेशन दर्पण पत्रकार एसोसिएट द्वारा कराया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में अमर सिंह राजपूत, अक्रम कुरेशी, शोभेलाल जी कुशरम, हेमराज टिम्बरे, प्रकाश मिश्रम, प्रभाताई गटपेले, जाहिदुल निशा शेख, दर्पण पत्रकार के एसोसिएशन के अध्यक्ष मोनू राठौड़ और कार्यकारी अध्यक्ष शैलेश जायसवाल, मार्गदर्शन योगेश मामा बंसोड़, संरक्षक बेबी नंदाताई बंसोड़, माननीय दिनकर ठोसरे साहब उपस्थित थे तथा इन्होंने मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सतीश पारधी, श्री बिट्टू जायसवाल, शकील शेख, आकाश गढ़पाले, अंकित बंसोड़, सरोज राउत, आकाश सरसूत को सहयोग दिया। कार्यक्रम का संचालक शैलेश जैन ने किया। शिविर में भारी संख्या में जन समुदाय ने लाभ उठाया। महाराष्ट्र की सियासत में अब नया भूचाल आ गया है। तीन दलों के सहयोग से चल रही महाविकास आघाड़ी सरकार पर अब संकट के बादल छाए हुए हैं। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के बगावत के बाद उद्धव ठाकरे को सत्ता गंवाने का डर सता रहा है, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी चुपचाप बैठकर आगे की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी इस बार 2019 जैसी गलती नहीं दोहराना चाहती, जब कुछ ही घंटे मुख्यमंत्री रहने के बाद देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा था। इस बार बीजेपी इंतजार कर रही है और सही वक्त पर सही कदम उठाने को तैयार है। एकनाथ शिंदे के संपर्क में 22 शिवसेना विधायक होने का दावा किया जा रहा है। साथ में सरकार का साथ देने वाले 4 अन्य विधायकों को भी शिंदे अपने साथ ले गए हैं। ऐसे में बीजेपी जानती है कि शिंदे के समर्थन वाले सभी विधायक भी अगर उनकी पार्टी को समर्थन दे तो तब भी सूबे में सरकार बनना मुश्किल है। बीजेपी ने ऐसी जल्दबाजी नवंबर 2019 में की थी जब अजीत पवार ने बीजेपी को कागज पर समर्थन तो दिया था, लेकिन वह विधायक जुटाने में नाकाम साबित हुए। इसके बाद सुबह शपथ लेने वाले फडणवीस की सरकार चंद घंटों में गिर गई थी। बीजेपी के इंतजार की वजह कुछ और नहीं बल्कि वह दल बदल कानून है, जिसमें किसी भी दल के 2/3 विधायक टूटने पर ही उन्हें कानूनी मान्यता मिल सकती है। ऐसा न होने पर बगावत करने वाले विधायकों की सदस्यता तक जा सकती है और फिर सरकार बनाने की सारी कोशिशें धरी रह जाएंगी। फिलहाल महाराष्ट्र में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों की जरूरत है और सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के पास सिर्फ 106 विधायक है। अब उसे सरकार बनाने के लिए 39 और विधायकों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन शिंदे के पास सिर्फ 25 से 27 बागी विधायक है। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Love you, दीपिका। Bye। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।
बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। एनटीपीसी मौदा में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत सभी कर्मचारियों, महिलाओं और बच्चों के लिए एक योग सेशन का प्रायोजन भी किया गया था। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारी, महिलाएं और बच्चे उपस्थित थे। एनटीपीसी में आज योग दिन मनाया गया। योग दिवस के अवसर पर मौदा से श्रीमती श्रद्धा अम्बुलकर को योग करवाने हेतु आमंत्रित किया गया, जिन्होंने इस वर्ष के योग दिवस के विषय मानवता के लिए योग से संबंधित बातों से अवगत कराया एवं सूर्य नमस्कार और कई सारे लाभदायक आसन करवाए। एनटीपीसी मौदा द्वारा नियमित रूप से अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए विभिन्न ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिससे वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन किया जा सके, जिससे लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। यह दिन भारत के योग के सदियों पुराने अभ्यास के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है और मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। इस अवसर पर श्री ए के मनोहर, परियोजना प्रमुख श्री रामकंता पंडा, महाप्रबंधक संचालन और अनुरक्षण श्री ए के बारी, महाप्रबंधक परियोजना एवं FGD श्री सागर रंजन साहू, मानव संसाधन विभागाध्यक्ष DCCISF, अन्य वरिष्ठ अधिकारी, महिलाएं और बच्चे उपस्थित थे। VKB न्यूज के लिए कामठी से नितिन राविकर की रिपोर्ट। नागपुर जिले में कामठी तहसील के खैरी ग्राम पंचायत के सरपंच बंडू कापसे की ओर से 10वीं तथा 12वीं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का सत्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर कामठी पंचायत समिति के उपखंड विकास अधिकारी प्रदीप गायगोले तथा विस्तार अधिकारी के हाथों से विद्यार्थियों का सत्कार किया गया। आज या ठिकाणी माझ्या खैरी गावामध्ये जे मुले आणि मुली 10वी आणि 12वी मध्ये उत्तीर्ण झाले त्यांचं मनोबल वाढावं याकरता मी त्यांचा एक छोटासा सत्कार घेतला। त्यामध्ये पंचायत समितीचे CDPO आणि BDO आमच्या इथं गायबोलीजी हजर झाले आणि त्यांच्यासोबत विस्तार अधिकारी आणि माझे सर्व सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्य हे सुद्धा उपस्थित झाले आणि यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीनं आपले या ठिकाणी मुलाला पुढील आपल्या एक शिक्षण घेण्याकरता त्यांनी काय करावं आणि कसं सामने जावं या गोष्टीकडे विशेष त्यांचं लक्ष वेधित केलं आणि मी सुद्धा त्यांना आज या दिवशी त्यांचं अभिनंदन केलेलं आहे आणि पुन्हा अभिनंदन करतो की त्यांनी उंच भरारी शिक्षणात मारावी, कारण की या अशा धावपळीच्या याच्यामध्ये शिक्षण हे खूप महत्त्वाचं झालं आहे। शिक्षणाशिवाय कुठल्याही गोष्टी घडणार नाही, म्हणून त्यांनी हे शिक्षण घेणं महत्त्वाचं आहे, याकरता मी आज सत्कार घेतलेला आहे। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले भाजपा के खिलाफ प्रतिक्रिया देते हुए बोले की महाराष्ट्र सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है, इसमें कोई सफल नहीं होगा। केंद्र सरकार तानाशाह है, वह महाराष्ट्र की सरकार को उसी तरह उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं जैसे BJP ने सत्ता से कमाए पैसे का दुरुपयोग करके मध्य प्रदेश और कर्नाटक की सरकारों को गिराया है। ऐसी प्रतिक्रिया नाना पटोले ने दी। केंद्राच्या सत्तेचा दुरुपयोग, सत्तेच्या दुरुपयोगाच्या माध्यमातून केंद्रीय तपास यंत्रणेचाही दुरुपयोग आणि सत्तेतून पैसा भाजपने जो कमवलेला आहे त्या सगळ्या गोष्टीचा दुरुपयोग करून ज्याप्रमाणे कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशचं सरकार पाडलं तसंच महाराष्ट्राचंही सरकार पाडण्याची भूमिका घेऊन देशातल्या लोकशाहीमध्ये ही जी विघटनवादी व्यवस्था जी BJP निर्माण करते आहे ही लोकशाहीला घातक आहे आणि म्हणून आम्ही सगळ्यांनी एकजुटीनं या विघटनवादी व्यवस्थेच्या विरोधात लढण्याचा आम्ही निर्णय घेतलेला आहे। सत्ते परेशान हो सकता है, पराजित नाही, आणि ही भूमिका घेऊनच महाविकास आघाडी या सगळ्या प्रश्नाला पुढे जाईल। ते मी तुम्हाला सांगितलं की मुद्दाहून तुम्हाला मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक सरकार हे जनतेने काँग्रेसला निवडून दिलेलं होतं, तेही सरकार या केंद्राच्या दडपशाही, हुकुमशाही आणि केंद्रीय तपास यंत्रणेचा केलेला दुरुपयोग या सगळ्या गोष्टी आपल्याला विसरता येत नाही। तीच व्यवस्था महाराष्ट्रातही भारतीय जनता पार्टीने उभी करून महाराष्ट्रातलं जनतेचं सरकार पाडण्याचा जो घाट रचलेला आहे त्याच्यात कधीच त्यांना यश येणार नाही, आपल्याला विसरता येत नाही। तीच व्यवस्था महाराष्ट्रातही भारतीय जनता पार्टीने उभी करून महाराष्ट्रातलं जनतेचं सरकार पाडण्याचा जो घाट रचलेला आहे त्याच्यात कधीच त्यांना यश येणार नाही। सरकार डळमळीत झालेला आहे, होणार नाही, कुठलंही डळमळीत होणार नाही, सरकार स्थिर आहे,
आम्ही प्रत्येक परीक्षेला पुढे जायला तयार आहोत. केंद्र की सरकार जो है हुकुमशाह के तरह और देश के सत्ता का दुरुपयोग, केंद्रीय तपास यंत्रणा का दुरुपयोग, सत्ता से पैसा और इस आधार पर लोकतांत्रिक पद्धति से बनी हुई सरकारें गिराने में उनकी जो मानसिकता है वो हमेशा स्पष्ट होती है. मध्य प्रदेश की सरकार हो, कर्नाटक की सरकार हो, जो कांग्रेस को लोगों ने मैंडेट दिया था वो भी सरकारें गिराने में इसी आधार पर वो सक्सेस हुए थे. सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं. और महाराष्ट्र में महा विकास आघाड़ी को उसी आधार पर गिराने की बात वो करते हैं, लेकिन ये संभव भी नहीं. महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय मुंबई ने दिए गए मार्गदर्शन पर जिला विधि सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय गोंदिया में आज राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजन किया गया. जिला विधि सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय गोंदिया जिला वकील संघ गोंदिया के संयुक्त तत्वावधान में माननीय श्री वीपी पाटकर प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश गोंदिया इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया. जागतिक योग दिवस पर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी का संभाषण ध्वनिफीत द्वारा सुनाया गया और इस योग कार्यक्रम में श्री वीपी पाटकर प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश गोंदिया, श्री ए वी कुलकर्णी, एस आर मोकाशे, वी ए अवघड़े, एन बी पाड़गे, वाई जे तंबोली, टी वी गवई व अन्य उपस्थित थे. इस कार्यक्रम में मार्गदर्शक के रूप में श्री नरेंद्र जी आर्य इनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया. कार्यक्रम का सूत्र संचालन ए बी कुलकर्णी मुख्य न्याय दंडाधिकारी गोंदिया ने किया. आभार प्रदर्शन श्री एच डी वाघमारे सहदीवानी न्यायाधीश गोंदिया ने किया. इस कार्यक्रम सफलता के लिए श्री एम खान जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोंदिया जिला न्यायालय के सभी कर्मचारी इस कार्यक्रम में सहयोग किया. वी के बी न्यूज के लिए गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट. प्रोड्यूसर कह दीजिए, सबसे बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट कह दीजिए, सबसे बड़े एडवोकेट जनरल कह दीजिए, गेटकीपर कह दीजिए, प्रोजेक्टर मैन, जो भी कहना है, आप इस शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, इसके सबसे बड़े वकील हैं. यदि हम अपने शरीर को चलाने के लिए यदि हम थोड़ा सा भी व्यायाम करें, योग करें, खासकर जिनका सुबह से लेकर शाम तक का समय ही डायस पे बीत रहा है या कुर्सी पे बीत रहा है, उनके लिए ये बहुत जरूरी है. एट दिस एज ऑफ माइन आई फील ऑल द पीपल्स हु हैव गॉट नो टाइम जस्ट रिमेंबर योर शेड्यूल फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग. यू आर आइदर ऑन द डायस आर ऑन द चेयर. यू डोंट हैव एनी टाइम टू लुक आफ्टर योर बॉडी. ये शरीर को चलाना बहुत जरूरी है. चक्की के दो पार्ट रहते हैं, उसके अंदर जब गेहूं डाला जाता है तो गेहूं का आटा बनता है. ये शरीर भी हमारी एक चक्की है, इसके यदि मूवमेंट नहीं करेंगे हम तो शरीर का खाया हमारा वहीं का वहीं रह जाएगा. ये सारा ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, जितनी भी बीमारियां बोल लीजिए, ये शरीर को ही होती है, किसी और को नहीं होती है. तो इस बेहतरीन आयोजन के लिए जो प्रयास किया गया जिला न्यायालय के द्वारा, दुर्भाग्य से हमारे साथी लोग यहाँ नहीं आ पाए. प्रयास किया, ये प्रयास सफलीभूत हुआ और आने वाले वर्षों में इसी प्रकार के प्रयास होते रहेंगे. इन्हीं के साथ मैं आप सभी को, आयोजकों को और पूरे जिला न्यायालय को बार एसोसिएशन की तरफ से अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ. तो वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ. तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज. नमस्कार.